एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग तो टाइटल देख के समझ में गए होंगे कि आज का चैलेंज किसके बारे में है। तो हाँ, ये रहा 200। आज हम 200 में 24 आवर फूड चैलेंज करेंगे। तो 200 में जो भी आता है खाएंगे, लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स एंड लंच, ये सब करेंगे। तो विदाउट मच मोर चैटिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी हम यहाँ आ गए हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं अभी इनको पूछ रही हूँ कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में और कितने रुपीस का है। और ये भैया मुझे बोल रहे थे, मतलब कि ये अंकल मुझे बोल रहे थे कि आप पैसा क्यों पूछ रहे हो, खाने आए हो तो खाओ ना। तो क्या लोगे आप? एक्चुअली अंकल को पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही थी। जब मैंने इनको बोला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके बाद जाके तब जाके उन्होंने मुझे प्राइस बोला और मैंने एक डोसा ऑर्डर किया। एंड ये रहा मेरा डोसा, ये सिर्फ ओनली 30 रुपीस का है। तो चलिए खाते हैं इसको। अरे मैं खाने पर कितना पपक कर लेती हूँ यार, चुप रहना। अभी मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है। मैंने शायद 30 रुपीज़ का डोसा खाया और कितना बचा, 170। लंच करेंगे, स्नैक्स और डिनर। चलिए देखते हैं आगे, मिलते हैं लंच में। भाई साहब, मैं लंच के बहाने कहाँ कहाँ नहीं घूम रही हूँ। ये एक पार्क है, मुझे पता नहीं इसका नेम प्लेट जो भी था मैं भूल गई हूँ। तो इसमें बहुत सारे हिरन हैं, आप लोग देखिए और मैं भी देखती हूँ। तो ये क्या है, ऊंट पक्षी या यमू, आप लोग कमेंट में बताइए। थोड़ा कैमरा को जूम में डालती हूँ और ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे हिरन हैं। तो हम अभी घूमते घूमते एक मंदिर आ चुके हैं जिसका नाम है तप्तपाणी। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और ये नीचे से ही गर्म होके आती है। इस मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं ओडिशा के कश्मीर दारिंगबाड़ी। चलिए मैं भी देख रही हूँ और आप लोग भी देखिए। ये है उड़ीसा की सबसे बड़ी जंगल जो कि हम दारिंगबाड़ी में जाते वक्त पड़ता है रास्ते में। ये है छोटा सा वाटरफॉल दारिंगबाड़ी में जिसका नाम है दासिंगबाड़ी। ये है एक खूबसूरत सा व्यू जो कि दारिंगबाड़ी जाते वक्त रास्ते में आता है। ये है आपकी साइना घोष जो कि यहाँ पर खड़ी होकर बहुत ही ज्यादा स्टाइल मार रही है। दारिंगबाड़ी में एक खूबसूरत सा गार्डन आता है जिसका नाम है कॉफी गार्डन, देखिए।
यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे कॉफी दिख रही है उसका फल। ये है दारिंगबाड़ी का और एक खूबसूरत सा पार्क जिसका नाम है नेचर पार्क। तो गाइस यहाँ पर हम लंच करने के लिए रुके थे जो कि 4:45 हो चुका था और यहाँ पर बहुत भीड़ होने के कारण हम यहाँ पर लंच नहीं किए। और अभी मुझे एक होटल मिल चुका है लेकिन अभी टाइम हुआ है 5:30, तो अभी हम लंच करेंगे। तो चलिए लंच करते हैं इस होटल पर। तो ये रहा मेरा लंच जिसमें है राइस दाल एंड चिकन करी और सलाद। तो गाइस लंच तो कंप्लीट हो गया और अभी 8 बजे हैं, तो अभी स्नैक्स टाइम तो नहीं है और स्नैक्स करने का मन भी नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ 20 रुपीज़ का मैं ये स्लाइस लेके आई हूँ। स्नैक्स में ये स्लाइस ही पी लूँगी। तो ये जो पीछे सब दिख रहा है इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये हॉस्टल है और ऐसा होता रहता है सब मैसी वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बजे है 9:00, तो ये रहा मेरा डिनर जो कि है वेज बिरयानी और मशरूम वेज बिरयानी। ये करीबन शायद 50 रुपीज़ का है, 50 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 30 180 180 कैसा लगा मेरा ये 24 आवर फूड चैलेंज 200 रुपीज़ का। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोग देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।